हेलो एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम बैक ऑन मई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट अच्छा नॉट इट्स मी साइनिंग इन ऑल आर गुड नाउ एज यू नो दैट हमारा क्वेश्चन सीरीज का चल रहा था वीडियो और हम उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि है हमारा कोर्स सिक्स जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ठीक है लिंग विद्यालय और समाज की बात करेंगे कोर्स सिक्स है बी एड फर्स्ट ईयर जो सेशन है वो उन्नीस इक्कीस बैच है बी एड फर्स्ट ईयर फुल मार्क्स एट फोर्टी मार्क्स है और पासिंग मार्क्स आपके एटीन मार्क्स हैं और ड्यूरेशन वन एंड हाफ आवर है आंसर एनी फोर क्वेश्चन नाउ और जितने भी मार्क्स हैं आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस डिस्क्राइब इट्स इंडिकेटर यानी कि लिंग भेद या पक्ष के अर्थ की व्याख्या कीजिए इसके संकेतकों की विवेचना कीजिए नाउ क्वेश्चन नंबर टू एक क्वेश्चन टेन मार्क्स का है ओके नंबर डिस्कस द दस्टिट्यूशन रोल इन द रिमूवल ऑफ जेंडर बायस लिंगे भेद को या पक्ष को हटाने में संविधान की भूमिका की चर्चा कर कीजिए नाउ टर्न द पेज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट एंड एस ऑन सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन शिक्षा के सामाजिक आधार पर एक निबंध लिखना है नंबर फोर डिस्कस द जेंडर रोल्स ऑफ एनी टू एजेंसीज इन एजुकेशन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे निम्नलिखित के मध्य किन्हीं दो अभिकरणों की शिक्षा में लिंग आधारित भूमिका की चर्चा करनी है यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके पास पहला है फैमिली दूसरा है कम्युनिटी तीसरा है मास मीडिया रिलीजन और चौथा है रिलीजन परिवार समुदाय संचार माध्यम और धर्म इनमें से किसी दो को आपको डिटेल में डिस्कस करना है ओके नंबर फाइव राइट एंड ऑन सेक्सुअल अब्यूज योर वायलेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन यौन उत्पीड़न या हिंसा पर एक निबंध के साथ शिक्षा की भूमिका को लिखना है आपको टेन मार्क्स का है रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग पॉजिटिव नोशन ऑफ सेक्सुअलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमेशा पूछा जाता है हर साल सकारात्मक लैंगिकता की धारणा के विकास में शिक्षक की भूमिका की समालोचनात्मक विशेषण कीजिए इसके बाद मैंने यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन लिख रखे हैं इन क्वेश्चन को देख लीजिए हैं सेवन दे रखा है राइट डाउन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ जेंडर अब्यूज इज इट्स आइडेंटिफिकेशन लैंगिक यौन शोषण की प्रकृति और प्रकारों को लिखिए इसकी पहचान क्या है नाउ क्वेश्चन नंबर एट हाउ कैन सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस बी आइडेंटिफाइड एंड मिनिमाइज थ्रू द एजुकेशन डिस्कस किस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से लैंगिक दुर्व्यवहार एवं हिंसा की पहचान कर उसकी कमी की जा सकती है इसकी विवेचना कीजिए नंबर नाइन कॉम्बेटिंग द डोमिनेंट सोसाइटल आउटलुक ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी महिला शरीर के वस्तुकरण के प्रमुख सामाजिक दृष्टिकोण का मुकाबला करना इसको आपको एक्सप्लेन करना है इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इस क्वेश्चन में है कि रोल ऑफ मीडिया इन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी महिला शरीर के वस्तुकरण में मीडिया की भूमिका की डिस्कशन करनी है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दिए हैं आपको तो क्वेश्चन तो टोटल टो छह टो क्वेश्चन मिलेंगे छे या सात जो भी मिलेंगे उसमें से आपको चार करने रहेंगे और इन क्वेश्चन को मैंने इसलिए बढ़ा दिया है कि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते थे तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा एक बार जरूर से जरूर सो ये जो कोर्स सिक्स था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये इसके क्वेश्चन सीरीज है उन्नीस इक्कीस बैच का है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट अचना विश्वकर्मा